तो अभी सुबह के 7 बजने लगे हैं और अब हम निकलना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो होप्स कि वी विल बी देयर बाय 9। हियर आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस प्लेस। This is a splendid view of this guest house. So this is the last point. There is natural speed brake. I think we should park our bike here. Wow. So we will start our trek from here. Now he is going to park his bike. आप देख सकते हो काफी बर्फ शुरू हो गई है। तो रास्ते में काफी स्नो है, थोड़ा टफ भी हो रहा है चलना। शूज भी थोड़े स्किट कर रहे हैं, ये जो स्नो है हार्ड हो चुकी है। I think this road will इधर आता होगा कहीं। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है शिकारी माता, यहाँ से 6 किलोमीटर है। तो हम सनारली से लगभग 12 किलोमीटर आ चुके हैं। अब ये सारा ट्रैक है 6 किलोमीटर का। जय हो शिकारी माता। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। तो ऊपर हमें शायद और भी ज़्यादा स्नो मिलेगी। रायगढ़ पहुंच गए। दिस इज रायगढ़ एंड या एक छोटा सा सरप्राइज हमारे लिए, हमें वेलकम करने के लिए। इफ एनी हाउ अगर आप अपने शूज आपके पास वाटरप्रूफ नहीं है तो यू कैन हाउ यू कैन मेक योर ऑर्डिनरी शूज वाटरप्रूफ। तो आप किसी से भी ये पॉलिथीन ले सकते हो, अच्छे से इसको पैक कीजिए। पैकेजिंग पॉलिथीन है ये, बिस्कुट की पैकिंग और उनके साथ आता है ये। तो आप इसको यूज़ कीजिए इसमें अपने। सब जीरो टेम्परेचर में अगर आपके पाँव ठंडे हो गए तो आपकी स्पीड पे असर पड़ेगा। स्पीड पे भी आपके काफ़ी और बीमार होने का भी डर रहता है। अगर आप रोड को छोड़ दें और रोड के अलावा ट्रैक करें तो बर्फ में आपको फुटप्रिंट्स मिलेंगे जिनके थ्रू आप रास्ते का पता लगा सकते हो। तो ये देखो फुटप्रिंट्स हैं। तो जो लोग आपसे पहले गए होते हैं उनके फुटप्रिंट्स को आप फॉलो कर सकते हो, तो आप भटकोगे नहीं।
So you can see very heavy snow here. तो हमें ये फुटप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए हमें अपने नए ही बनाने पड़ रहे हैं. यू कैन वॉक ऑन दीज फुटस्टेप्स, तो आपके पांव गीले नहीं होंगे, बर्फ नहीं घुसेगी पैरों में. और ये फुटप्रिंट्स आपको सेफ भी रखते हैं. एक जंगली जानवर सामने. तो ऑसम ट्रिप. दोबारा से हमें वो रास्ता मिल गया है जो मेन सड़क है, तो हम रास्ते से भटके नहीं है. जय हो शिकारी माता. तो आप ये साइन बोर्ड देख सकते हो, तो जहाँ से हमने चलना शुरू किया था तो वहाँ से 4 किलोमीटर शिकारी टेंपल था, तो हम 2 किलोमीटर वॉक कर चुके हैं. We are going uphill now. तो आधा आधा फीट मेरे पैर बर्फ में धस जा रहे हैं. हाँ, so you find the road. oh, finally मुझे रास्ता मिल गया है. थोड़ा भटक गया था मैं रास्ते से. अब कैसा करते हैं, रास्ते रास्ते से चलें. Oh, it's too much snow here. Now I'm looking for the place. Oh, finally I got the place. So you can see
सामने एक और रेन शेल्टर दिखाई दे रहा है, एक और क्या, ये पहला ही रेन शेल्टर है तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी माइलस्टोन पे पहुंच चुके हैं हम। तो कल भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे हमसे पहले, कुछ चार लोग इधर से, कुछ चार लोग थे, आज हम दो ही लोग हैं। तो इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। जो लोग कल आए हैं यहाँ पे, तो सच में ही उनके लिए बड़ा मुश्किल समय रहा होगा। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, एक डेढ़ फीट बर्फ से ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे, दो फीट। तो उनको रास्ता बनाने में बड़ी दिक्कत आई होगी। हमें तो वी आर लकी कि हम उनके फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं। किसी के फुटप्रिंट्स पे चलना ज़्यादा टफ नहीं होता, लेकिन नहीं। खुद के फुटप्रिंट्स बनाना वो एक अलग बात है, डेयरिंग बात है। सो हैट्स ऑफ टू देम। तो वो सामने आई थिंक वो शिकारी देवी दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है वहीं पे शिकारी देवी होगा, उस पहाड़ी के टॉप पे कहीं। एक प्लेन भी आप देख सकते हो, शायद कैमरे में वो कैप्चर नहीं आओ, लेकिन मैं एक प्लेन उड़ता हुआ देख पा रहा हूँ यहाँ से। तो मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है, एक और माइलस्टोन। जय हो शिकारी माता की, जय हो। बर्फ है लेकिन ऊपर मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में बर्फ कंपैरेटिवली कम होगी। तो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी मिस्टर दिनेश। बिल्कुल फ्रेश स्नो है ये, और काफ़ी मात्रा में।
तो अच्छी जगह पे पहुंचे हैं हम दोबारा। वाओ व्हाट अ व्यू, सो यू कैन टेक अ लुक ऑफ दिस व्यू। Look at this, it's awesome. Great! Whoa! Thank you! तो इट्स टोटल क्रेडिट गोज टू मिस्टर जितेंद्र, या ले ट्रिप देन किन्नर कैलाश, दैट वाज आल्सो ऑसम। 2017 किन्नर कैलाश एंड द एंड ऑफ 2020 दिस शिकारी टेंपल, शिकारी देवी ट्रिप। तो आज 30th नवंबर है, तो एक और साइन बोर्ड और शिकारी माता मंदिर 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। आई थिंक टॉप ऑफ हिल डेट विल बी शिकारी टेम्पल। आ जाओ तो हम शिकारी देवी टेंपल के गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से स्टेयर्स शुरू होती हैं, जो कि 1000 स्टेयर्स हैं यहाँ से, और आप यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ दिस नेचर। पैनोरमिक व्यू शिकारी देवी मंदिर पधारने पर आपका स्वागत है। जय शिकारी माता। क्या खींचते हैं फोटो?
तो अब ये स्टेयर्स शुरू हो चुकी हैं यहाँ से। काफ़ी स्टीप इंक्लाइन है ये। थोड़ा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टायर्डनेस भी फील हो रही है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय हो शिकारी माता की। कोशिश करें कि इस चढ़ाई पे धीरे धीरे चलते रहें, आप ज़्यादा एग्जर्ट ना करें अपने आप को, आराम आराम से चलें। ये बेंच था, आप देख सकते हो पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। चढ़ाई पे 100 मीटर चलना भी ऐसा लगता है कि आपने 1 किलोमीटर चल लिया है, लेकिन हिम्मत ना हारें आप और धीरे धीरे चलें। So here you can rest. No, I didn't see up there. I will rest there. और आप अपने साथ जो भी खाने का सामान ले जा रहे हो तो जो रैपर्स वगैरह होते हैं उन्हें अपने साथ वापस ले जाएं, या जो डस्टबिन बने हैं यहाँ पे जगह जगह उनमें ही डालें। हर जगह फिर गंद ना फैलाएं।
हेलो, तो एक कौआ है ये, क्रो। दिस इज ओनली फेलोअर अदर देन जितेंद्र आई फाउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट। वो भी सोच रहा है कि शायद मुझे कुछ खाने के लिए देंगे, लेकिन कुछ स्पेशल हमारे पास है नहीं इसे देने के लिए। तो ये आप देख सकते हो, सारे स्टॉल्स हैं जो विंटर सीज़न में बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं। कुछ एक क्रेज़ी पीपल ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और आज वेदर भी बहुत अच्छा है, प्लीजेंट वेदर है, क्लियर स्काई है। तो ये सामने आप शिकारी माता टेंपल भी देख पा रहे होंगे। जय माता। तो आज कोई और नहीं आया है यहाँ पे। वी मेड इट। अभी मेरा फ्रेंड जितेंद्र वो भी आ रहा है, धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ रहा है। I'm feeling top of world. सराय बनी है जो पांडवों के नाम पे है। ये अर्जुन सराय है, ये भीम सराय है, इसी तरह से अच्छा सराय यहाँ पे है। तो ये आप ऊपर टेंपल देख पा रहे हो, शिकारी देवी बिल्कुल टॉप हिल पे है। तो अभी 11:42 हुए हैं। वाह, ब्यूटीफुल। इट्स ऑसम।
बिल्कुल लास्ट में आप कसौली की पहाड़ी देख पा रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल लास्ट में। और इस सामने बिल्कुल स्ट्रेट मेरे चूड़धार है, ये सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है बिल्कुल सामने। कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं अपनी नेकेड आई से आई कैन सी द जाखू पीक। वाह, दिस इज द ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, वी मेड इट शिकारी देवी टेम्पल। तो अभी मैं शिकारी देवी मंदिर में हूँ, इससे थोड़ा सा ही ऊपर यहाँ पे टेम्पल है। ग्रेट यार। और ये जितेंद्र जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बहुत दूर तक हर एक वैली आप देख सकते हो यहाँ से। जय माता दी। तो बिल्कुल सामने आप टेंपल देख पा रहे हो। ये शिकारी देवी की हिस्ट्री है, 3,359 मीटर की ऊंचाई पर बना है, 3,359 मीटर फ्रॉम सी लेवल। तो वी आर वॉकिंग नाउ बेयर फुट। ओह, इट्स चिल्ड हियर। जय
जय माँ शिकारी से। शिकारी देवी टेंपल है, यहाँ कहते तो हैं बर्फ नहीं पड़ती लेकिन काफी बर्फ दिखाई दे रही है यहाँ पे। अंदर के ऊपर नहीं होती, उसके ऊपर तो वैसे भी टिकेगी नहीं बर्फ, जो लॉजिक मुझे लग रहा है। बाकी नहीं नहीं, इन पर टिकेगी, अगर बाकी जगह टिकी हुई है तो इनके ऊपर क्यों नहीं टिकेगी? थोड़ी थोड़ी तो ऐसे किसी पर नहीं टिकती, फूल जाती है, गिर जाती है। दीवारें भी चौड़ी हैं, इन पे क्यों नहीं टिकी हुई? तो ये मंदिर के दूसरी तरफ का व्यू है, सारी मूर्तियां पांडवों के टाइम की बनी हुई हैं। जय माँ दुर्गे, जय गुरुदेव। इट्स ऑसम। ओ जय मां शेरों वाली, जो फीलिंग आई ना उसके बाद बर्फ में चल के। तो हम यहाँ से वापस चल पड़े हैं और टाइम हो गया है 12:52। वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 1 hour 15 minutes हेयर। नाउ वी आर गोइंग वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी, कमरूनाग। वी विल मेक इट नेक्स्ट टाइम। इन फ्रंट ऑफ मी द स्नो कवर्ड पीक, देर इज़ कमरूनाग, वेरी फेमस टेम्पल। जय माँ।